नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके भरोसेमंद चैनल टेक बाय एसपी को। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ चुका हूं। जैसा कि आप सबको पता है, बेसब्री से इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया था 31 मार्च तक सभी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण आदेश जारी कर दिया जाएगा। क्या आप लोगों का नियमितीकरण आदेश जारी हुआ है कि कौन कौन सा विभाग परमानेंट होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में अगर आप संविदा पर कार्य करते हैं और आपका अनुभव 10 साल का हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आप सभी संविदा कर्मियों के हित में बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों का परमानेंट लेटर जारी कर दिया है। जैसा कि प्यारे साथियों, आप सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 31 मार्च तक सभी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो फाइनली उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए आप सभी का परमानेंट लेटर जारी कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका खुलासा किया है कि 7 लाख ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनका लिस्ट तैयार कर लिया गया है, यानी 7 लाख संविदा कर्मी जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो प्यारे साथियों, ये बहुत खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी आप सभी संविदा कर्मियों के हित में जो है बहुत बड़ा फैसला लिया है। टोटल 50 विभागों का नियमितीकरण होगा, यानी उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मियों का जो नियमितीकरण होगा, 50 विभाग ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह खुलासा किया कि आप सभी को जो है परमानेंट आदेश दे दिया गया है। 10 साल से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले संविदा कर्मी परमानेंट हो जाएंगे, और 10 साल से कम का अनुभव रखने वाले संविदा कर्मियों के लिए भी बहुत खुशी की बात उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि सैलरी में जो है 30% की वृद्धि की जा रही है, साथ ही साथ आपके DA में जो है 4% की वृद्धि की जा रही है। इसी तरह से अगर कुल मिला करके देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों के हित में माननीय योगी जी ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। तो आशा करता हूँ आप लोग का जो इंतज़ार था, फाइनल इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। आप लोग सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी पाएंगे, आप लोगों का मानदेय भी बढ़ेगा। तो प्यारे साथियों, अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय उत्तर प्रदेश।